I am, I'm making a new. Hey guys, what's up? This is your one only Dipanjan and you guys are watching none other than Dipankama. A very good morning all the way from Gangtok. The time is 9:34. Just look at this, 9:34 is happening. But there is a sad part about this episode ki here is our Nexi and Nexi ko idhar bhi park karke hum logo ko jana hai aage. Why? Because we tried a lot for the permit. But हो नहीं पाया तो इतना तो पर्सनली मतलब हर एक लेवल हर एक मतलब सबसे ऊपर लेवल तक मतलब ट्राई किए एक आदमी को गाली गलौज तक कर दिए कि परमिट चाहिए लेकिन परमिट नहीं हो पाए क्यों परमिट नहीं हो पाए उसके ऊपर भी बातचीत हम लोग डेफिनेटली करेंगे बट यही सबसे ज़्यादा खराब लग रहा है कि भाई प्लान जो था लास्ट टाइम भी सेम एक प्लान था कि नॉर्थ सिक्किम घूम के आएंगे लेकिन वो टाइम में दिसंबर में स्नोफॉल हो रहा था सिक्किम में तो दैट्स द रीज़न हो नहीं पाया था तो इस बार सोचे कि भाई वेदर बहुत सही है देखो भाई एकदम प्रॉपर क्लियर स्काई है कोई स्नोफॉल होने का चांस भी नहीं है तो इस बार तो नॉर्थ सिक्किम गुरुदांगबर करके ही आएंगे नेक्स्ट के साथ बट हो गया पोपट हो गया प्रॉब्लम तो अभी डिटेल में बताते कि एग्जैक्टली फॉर व्हाट रीज़न अब लोग नेक्सी को इधर पे छोड़ के जा रहे हैं नेक्सी के साथ क्यों नहीं जा पा रहे अगर आप फोर व्हीलर के साथ आ रहे हो आपको परमिट आराम से मिल जाएगा बट उसके लिए कुछ चेकलिस्ट है जो कि एक चेकलिस्ट में हम लोग ठीक से पास नहीं कर पाए नहीं तो यू नो आगे नहीं जा पाए व्हाट दैट पॉइंट इज नेक्सी इज इन माय फादर्स नेम मतलब रजिस्ट्रेशन जो हुआ है बापुन रॉय के नाम में है मतलब बापुन रॉय इज माई फादर एंड आई एम दीपांजन रॉय बट ऑथराइजेशन देके वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे बट मुझे जो लगता है कि भाई एटलीस्ट अगर आपका गाड़ी जो है वो आपका बाबा के नाम में माँ के नाम में है अलाउ करना चाहिए क्योंकि इससे ऊपर क्या ही रिलेशन हो सकता है ये तो मतलब नॉर्मल सा है कि बाबा के नाम में होता है गाड़ी गाड़ी आपका माँ के नाम में होता है तो हम लोगों के केस में वही सेम चीज़ है नेक्सी जो है वो मेरे बाबा के नाम में एंड दैट्स द रीज़न हम लोगों को परमिट नहीं मिला कि जितने सारे क्राइटेरिया था वो सारे क्राइटेरिया ओके था बट भाई यही एक प्रॉब्लम हो गया कि रजिस्ट्रेशन नेम जो है वो मेरे नाम में नहीं है दैट्स द रीज़न हम लोग को नॉर्थ सिक्किम का मतलब मंगान देन लाचेन लाचुंग गुरुदांगबर लेक का परमिशन नहीं मिला है सो दैट्स द रीज़न अभी करे तो करे क्या अभी लास्ट टाइम क्या किए थे हम लोग जब हम लोग को परमिशन नहीं मिला था ड्यू टू द स्नोफॉल वी हैव डिसाइडेड कि देखो भाई आगे नहीं जाएंगे क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड दिमाग में ना वो एक चीज़ आता है कि भाई खुद का गाड़ी लेके हम लोग नहीं जा सकते तो क्या करेंगे जाके बट इस बार सोचे क्योंकि नॉर्थ बंगाल का मैक्सिमम जो पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए तो इस बार भाई नॉर्थ सिक्किम फिर से मुझे जाना है क्योंकि गुरुदांगबर लेक इफ यू आर फॉलोइंग दीपांकामा सिंस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आप जानते हो कि गुरुदांगबर लेक अपन ऑलरेडी कर लिए थे 2019 में तो इस बार ठीक है भाई कोई बात नहीं नेक्सी को इधर पे छोड़ के एक गाड़ी को हम लोग रेंट कर लिए 3 दिन के लिए वो गाड़ी से ही घूमेंगे प्रॉपरली ब्लॉग बनाएंगे एंड आराम से सारे चीज़ दिखाएंगे विद ऑल द एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली विद सम इन्फॉर्मेशन दिस वाज अवर होटल एंड होटल बहुत सही था एंड राइट नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द कार टू अराइव गाड़ी आने दो फिर भाई डायरेक्टली आज का जो डेस्टिनेशन है फ्रॉम गैंगटॉक टू लाचेन एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे हर एक जगह दिखाएंगे बट बहुत खराब लग रहा है भाई बहुत खराब लग रहा है कि नेक्सी को इधर पे छोड़ के जाना पड़ रहा है मन तो वैसे कर नहीं रहा है लेकिन करे तो करे क्या एंड एक जाइलो हम लोग बुक किए तो जाइलो से जाएंगे एंड पूरा ट्रिप जो होगा किसी और को भरोसा करके हम लोगों को करना है इस बार यही चीज़ हम लोग नहीं चाहते थे लेकिन ठीक है भाई डेस्टिनी है कुछ अगर हो रहा है तो डेफिनेटली भले के लिए हो रहा है उसको मान के ही आगे जा रहे हैं आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम हियर इज आवर कार हियर इज मिस्टर बॉक्सी लवली मोमेंट्स भाई दिस इज द फर्स्ट टाइम नहीं इससे पहले ब्लॉग में प्रोतुष के लिए एटलीस्ट फर्स्ट टाइम है कि कोई भी गाड़ी रेंट करके हम लोग घूम रहे हैं प्रोतुष के लिए हम लोग पहले बहुत मतलब जो जो ट्रिप हुआ था बहुत दर्दनाक है वही बात है कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है इसको जब छोड़ के जा रहे हैं इधर पे पार्क करके जा रहे हैं एंड ग्रेट थम्स अप फॉर देयर रूम सर्विस एंड एवरीथिंग टू दिस होटल एंड नाम था इसका पैरासोल इन गैंगटॉक सिक्किम ग्रेट थम्स अप एंड हियर इज द कार SK04Z0308 Mahindra Xylo. So here it is with the Mhawk engine. Mhawk ka badging kaha pe hai? Ye dekho, powered by Mhawk. So this car will be with us for another 2 to 3 days. Camera. This is camera. Say hi. भाई अभी temperature कितना हो रहा है? 6-7 होगा इधर. 6-7 होगा अभी. कल रात में ही तो 7-5 था. 6-7 जैसा feeling नहीं आ रहा है लेकिन ठंड तो है आपका ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है SK04 कहाँ का है साउथ का है जोरथंग का है अच्छा जोरथंग का है गैंगटॉक का तो 01 है 01 है सही है सो वी विल बी विद दिस जाइलो एंड विद दिस पर्सन आपका नाम क्या है भाई नीलकमल अधिकारी ओके नीलकमल भाई के साथ हम लोग 2 दिन तक रहेंगे एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक्चुअली हम लोग कोई भी रेंटेड कार में जा रहे हैं नहीं तो हम लोग खुद ड्राइव करके हर एक जगह में घूमते हैं चलिए आपके ऊपर है कि आप एकदम प्रॉपर एंजॉयमेंट करेंगे आपके साथ भी
तो लेट्स गो एंड ट्रैफिक सिचुएशन देखो इधर पे, क्योंकि रोड बहुत नैरो सा होता है. और आप लोग तो अगर दीपांग गामा को फॉलो कर रहे हो, आप जानते ही हो ऐसी सिचुएशन में मतलब चलाते हैं अपन. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up until... Here, Lachen is all like 110 kilometer, or nahi to 115 kilometer, not more than that. Within 5 to 6 hours, you can reach to Lachen, but hum log thoda ghoom ghoom ke jayenge, kyunki jo you know, viewpoint hai, wo sari jagah mein jayenge, so that's the reason. Matlab, raat ho jayega pahunche mein, raat matlab yahan ka raat. वही 6-7 बजे के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे लाचेन. एक बात अभी भी फील हो रहा है कि भाई वी आर मिसिंग ऑन नेक्सॉन, वी आर मिसिंग ऑन नेक्सी. जस्ट रोड कंडीशन देखो, आगे जाएंगे ना और भी खतरनाक हो जाएगा. मतलब जितना आगे आप जाओगे उतना अच्छा खासा ऑफ रोडिंग का मौका आपको मिल जाएगा. बट एक और छोटा सा नन्ना सा रिग्रेट अभी हो रहा है जो कि हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि मंगन तक विदाउट द परमिट यू कैन विजिट. तो ये भी हो सकता था कि मंगन तक गाड़ी लेके चले जाए, देन गाड़ी को वहाँ पे पार्क करे एंड देन पार्किंग करने के बाद वहाँ से ये रेंटेड कार लेके आराम से घूमे. बट ये देखो मंगन अभी 53 किलोमीटर, हाँ 53 मोर किलोमीटर. वो सारे दिन मुझे अभी याद आ रहा है 2019 वाला, विथ माई रॉयल एनफील्ड. तीर्थो भी था मेरे साथ गन मेडल लेके, वो दिन भी क्या दिन था. सिक्किम जो है ना, इसका सैनिक ब्यूटी बोलो, नेचर ब्यूटी बोलो, हर एक चीज़ एक एक्सट्रीम लेवल में है. अब देखो मैं अगर साइलेंट हो जाऊँ ये सारे रोड में, लिटरली यू कैन फील द नेचर और यू कैन हियर द नेचर. ब्रिज टू बी टू, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है. एंटरिंग नॉर्थ सिक्किम, एंटरिंग इनटू नॉर्थ सिक्किम. एंड वो देखो दूर में वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम वाला बोर्ड, शाबाश. यहाँ पे है बोर्ड वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम. आई एम लाइक प्रीटी श्योर, डैम श्योर, अगर हम लोग नेक्सॉन लेके इधर पे आते थे तो मैं सुदीप तो को यहाँ पे भेज देता कि सुदीप तो यहाँ से गोप्रो वाला शॉट ले ले भाई, ऐसे करके पास ऑन हो रहा है. आई रियली नो कि कौन स्टैंड. आप ये व्लॉग टोटल एंटायर ये एपिसोड देखते रहो, मैं बार बार ये बोलता रहूँगा कि नेक्सॉन को मिस कर रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि वी आर दी पर्सन हु लव्स टू ड्राइव. मतलब ड्राइविंग इज द मेन पैशन ऑफ ऑल लाइफ, कि ड्राइव करना है, खुद के गाड़ी के साथ जाना है. एंड एक छोटा सा नन्ना सा वाटरफॉल भी है ये राइट साइड में. ऑफ रोडिंग स्टार्ट. Here we are in front of Seven Sister Falls. Here is the board of that Seven Sister Falls. कितना पैसा लगा है बनाने में? अच्छा वो भी है ना? हाँ. Contract amount कितना था? 1,77,42,000. Complete हुआ 30 September 2019. तुम जब आए थे? हाँ, नहीं September से पहले ही मैंने आया इधर. ये जो मिला ना हम लोगों को ये Zylo भाई, Tunch गाड़ी है, अच्छा condition में है. आजा इधर आजा. चलो देख के आते थोड़ा बहुत. अच्छा इधर इधर. ये ब्रिज जैसा है, फोटोशूट के लिए अप्रोप्रिएट परफेक्ट है. कुछ दुकानें भी है सामने 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 भी ऐसे करके. अरे भाई पोजिंग भी मतलब बताना पड़ता है कि कैसे करके पोज करना है. अभी हमारा तीर्थ बक्सी फोटोशूट कर रहा है. भाई गजब बेटा क्या चाहते हो? इतना टाइम से गजब काम में कर रहा हूँ जो बैन है और मैं इधर पे. ये खा सकता हूँ इधर पे. इधर देखो सेवन सिस्टर्स फॉल्स है, ये इलीगल है रोड पे सिक्किम में. एक कनेक्ट कर प्लीज प्लीज भाई. अबे साले बस डन विद द फोटोशूट. आप लोग वो सीन देखे ना तीर्थों को प्रोतुष को, लिटरली मुझे मुझे एक्सप्लेन करना था कि कौन सा पोज में फोटो लेना है. सेवन सिस्टर्स फॉल्स जो है, दिस इज द फॉल्स. ओ ब्यूटी ब्यूटी. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. नाम क्यों है?
वो नील भैया को पूछना पड़ेगा, नील भैया को पूछना पड़ेगा। वो आप ऊपर में जाओगे? इधर जाओ, गुम्फा में, गुम्फा ना, इधर पे क्या है, ऊपर में जाओगे? हाँ जाएंगे तो चलो जाते, ऑफ रोडिंग करते पैदल। तू ही हमारे घर भांगा पानी है, जानी है वो ब्लॉग कर। देखो इसीलिए भाई क्रॉक्स नहीं पहन के आए, क्योंकि मतलब ऐसा अगर रोड है तो क्रॉक्स में थोड़ा दिक्कत होता है। ग्रिप छोड़ने का बात नहीं है, वो मतलब पैर में ना दर्द होता है, क्योंकि दैट इज अ सॉफ्ट कंपाउंड, सोल बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम ऊपर पे जाएंगे, कुछ फोटो शूट भी करेंगे उधर पे, एंड अभी तीर्थों को रील भी एक बनाना है, बनाना है कि नहीं? एकदम वो फॉल्स के सामने बनाएंगे। हाँ चलो चलो, हमें अभी अभी को खुशी हो रही, सुदीप तो हम जेते ने पूरे ऐसा स्टार्ट करे नहीं तो भाई थोड़ा संभाल के। मुझे लग रहा है कि गाड़ी के साथ मतलब ये ऑफ रोडिंग करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू ट्रेकिंग। अच्छा इसके बाद ओके ओके, और ऊपर जाना है, और भी ऊपर जा सकते क्या? जाना है, वाह शाबाश। एक्चुअली फोटो वहाँ से ही अच्छा है, थोड़ा चील वाला इफेक्ट आ रहा है कि मतलब खुद को ड्राइव नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। एंड ये देखो सेवन सिस्टर फॉल जो है, देख लो मेरे पीछे है। तो अभी थोड़ा बहुत फोटो शूट कर लेते हैं एंड देन कॉफ़ी वॉफी पियेंगे और यहाँ से पटाख से निकलेंगे। अभी ये ब्लॉगिंग पोस्ट के साथ उधर पर एक फोटो शूट हो रहा है मेरा, तो देख लो थोड़े के मुझे भी बस कुछ भी करना है, लेकिन अच्छा से अच्छा एक फ़ोटो चाहिए मुझे, ठीक ऐसे ही पोस्ट में। ये प्लान प्रत्युष के दिमाग में आया एंड प्रत्युष वॉज लाइक ठीक है भाई चलो ऐसे ही बनाते, एंड मैं जस्ट वो कैंडिड के कारण ना बस वही चक्कर में कॉन्स्टेंट बक 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 कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि पीछे में वो फॉल्स के साथ एक अच्छा फोटो आ जाए। तो गावान सभी रोड का कंडीशन देखो, देखो जी देखो, अभी जब और आगे जाएंगे ना और भी डेंजरस रोड मिलेगा। फ्लोटिंग ऑलरेडी चालू हो गया, नामोक इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, नामोक। तो वी टुक अ वेरी स्मॉल एंड टाइनी ब्रेक ओवर हियर एट दिस प्लेस नेम्ड एज होटल प्रदीप। लंच के लिए एक थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड लंच वाज लाइक वेरी नाइस। सुदीप तो आर यू सैटिस्फाइड विद द लंच? वेरी मच, वेरी मच सैटिस्फाइड, वेरी मच सैटिस्फाइड, बढ़िया खाना था। तीर्थो बराबर तीर्थो साइड विद द लंच बढ़िया। अरे भाई ना वाइड एंगल तो सामने का लोग ठीक गैले तो मुख डिस्टर्टेड एकदम बड़ो है। ठीक है ठीक है ठीक, पूरा माछेर मत एयर चबा बाबार कछे नहीं बहुत ही बंजन हल्ला फेलियर का दिखा ना उसको, कुकुर को दिखा नेड़ी मेरी बहुत बकबक करता है। अरे तू धमसा मदल के तेरा बचता है। जस्ट फॉर अ टाइम चेक राइट नाउ द टाइम इज 1:26, वी आर ऑलमोस्ट लाइक 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मांगगान। भूख बहुत जोर से लग गया था, दैट्स रीजन वी थॉट कि ये ऑप्शन जो है होटल प्रदीप का थोड़ा नॉर्थ इंडियन स्टाइल में खाना होता है तो अच्छा खासा मिल जाता है। तो एक काम करते हैं, लेट्स हैव द लंच फ्रॉम हियर ओनली एंड अभी आगे जाना है एंड टाइम तो हाथ में भर भर के है, कोई टेंशन नहीं है कि भाई कवर करना है, ये करना है, रूट देखना है कि कौन से रूट से जाना है, ये है वो सब, क्योंकि गाड़ी के अंदर बस बैठ जाओ एंड आराम से चलते जाओ। ये देखो मंगन पंचायत वेलकम्स यू टू मंगन। सो गाइस नाउ वी आर इन मंगन एंड लास्ट जो पेट्रोल पंप था वो निकल गया। अच्छा नील भाई गाड़ी में मतलब पेट्रोल है तो मतलब डीजल है तो बस बस तब तो कोई टेंशन ही नहीं। अरे नील भाई पूरा एकदम हिला के भर दिया था, 500 दिया गया। क्या हिला के भरे भाई गाड़ी का? गाड़ी हिल रहा था उस टाइम। अब वो भी सही है, 500 दे गया ना? हां 500 रुपया पूरा। तो एकदम फुल टैंक है, तो कोई पेट्रोल और नहीं तो डीजल ब्रेक हुआ नहीं है एंड मंगन में ही लास्ट सबको पेट्रोल और नहीं तो डीजल पंप मिलेगा। तो लास्ट टाइम जब हम लोग गुरुदांगबर किए थे तो मंगन में एक दिन स्टे लिए थे, लेकिन मंगन में स्टे लेना आई डोंट थिंक सो दैट्स अ यू नो परफेक्ट थिंग। एंड हाँ अगर आप ये कर रहे हो कि डायरेक्ट कोलकाता से मंगन कर रहे हो तब तो सही है, नहीं तो भाई मंगन में मतलब रह के फायदा क्या है, ऑलरेडी लाचेन चले जाओ तो यू विल सेव अ वन डे। थेंग टनल प्राइड ऑफ नॉर्थ सिक्किम। गुरुदांगबर जब बाइक के साथ किए थे तो वो टाइम में भी दिखाए थे आप लोगों को, बेहतरीन है बेहतरीन। जस्ट लुक एट दिस एक्सीलेंट, क्या बात है भाई क्या बात है। अच्छा तीर्थो लास्ट टाइम में लाइट था भाई? लाइट नहीं था वही मुझे लग रहा था कि लाइट नहीं था, बट इस बार लाइट है उतना भी नहीं है बट जो भी है। नील भैया ये टनल कब से है?
6 साल तो ये टनल 6 साल से ये देखो आगे जाके टनल खत्म हो जाएगा। अच्छा इससे आगे क्या था कि नीचे से था रास्ता, टनल हो गया खत्म, छोटा मोटा टनल वाला रोड था, रोड काफी खराब था, दैट्स द रीजन टनल होके तो बहुत इजी हो गया। एक है भाई अटल टनल, अटल टनल, और एक है थैंक टनल। कोई बात नहीं, अगर बजट कम है तो थैंक टनल आपके लिए, अगर बजट हाई है तो आप जाओ अटल टनल जाओ। हाँ क्या है अटल टनल? हाँ जो इंजीनियरिंग काम था मेरे हाथ से हुआ है। अच्छा तुम इंजीनियर हो तीर्थ? मैं सब कुछ, इंजीनियर भी हूँ। अभी तो ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन मैंने कुछ नहीं है भाई, ठंड कुछ नहीं है। तुम जैकेट पहने हो, मैंने नहीं पहना। मेरा ड्रेस अप पहन लिया। So this is a viewpoint. This is the viewpoint. नहीं सही है भाई, just look at this. So नीचे ये total जो देख रहे हो ये तीस्ता रिवर है भाई, शानदार शानदार, क्या बात है, क्या व्यू पॉइंट है, परफेक्ट। एंड आई रियली डोंट नो अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है इधर में, मैक्स टू मैक्स 5-6 उतना कम नहीं होगा, बट मुझे तो लग रहा है। अच्छा ये भी हो सकते हैं बिकॉज़ आई एम नॉट वेयरिंग एनी जैकेट और समथिंग लाइक दैट, गाड़ी के अंदर थे तो तुरंत आ गया एक मिनट के लिए। एंड वन मोर थिंग, इट्स रेनिंग नाउ, ठीक है, मतलब एकदम धीरे धीरे ड्रिजलिंग जो बोलते हैं हम लोग, तो वही मतलब थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है। कंचन कान वाली केटिको केटिको बर्फ बदन है केटिको। कुकुर होगा, कुकुर का भी तीस्ता में फेंक दूंगा। ठीक है चलो, थोड़ा कॉफी वॉफी पीना है क्या? देखो भाई, देखो भाई, मतलब इतना जोर से बारिश हो रहा है, इतना जोर से धीरे से बारिश हो रहा है, पूरा एकदम बांग्लादेश न्यूज़ चैनल हो गया है। अभी धीरे धीरे पड़ रहा है, इतना बारिश के अंदर, इतना बारिश के अंदर ऐसे करके अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। एंड सुगावांस, नाउ वी आर इन लाचेन एंड दिस इज द होटल, होटल ब्लू पॉपी। इतना ठंड है ना, मतलब क्या ही बोले, अभी धीरे धीरे करके ड्रिजलिंग हो रहा है, मतलब बारिश हो रहा है। एंड आगे जाके यहाँ से बोला गया कि स्नोफॉल हो जाएगा, मतलब आज रात को ही हो जाएगा। वेदर एक्सट्रीम लेवल हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल। एंड जस्ट लुक एट दिस सिनेरियो, जस्ट लुक एट दिस व्यू, ओ माय गॉड। तो राइट नाउ गाड़ी जो है हम लोग का जाइलो इधर पे है, पार्किंग हो गया है, लगेज अभी ऊपर में जाएगा, तो अभी नहाते धोते फ्रेश होते डेफिनेटली गर्म पानी में फिर बात। जस्ट थोड़ा टाइम चेक, 8:48 नाउ, लाचेन में 8:42 जो है ना, इट इक्वल्स टू यू नो 2 AM कि रात को 2 बज रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। एंड प्रत्यूष जस्ट थोड़ा मतलब टेम्परेचर चेक एक बार बता कि टेम्परेचर कितना है, वही चेक कर, तो वही हम लोग चेक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर में बारिश भी हो रहा है। एंड मैं दिखाता हूँ आपको कि व्यू एग्जैक्टली कैसा है। एंड दिस इज द रूम, ओके ओके, नॉट दैट ग्रेट, वेरी बैड रूम सर्विस एंड ऑल द स्टफ। ये देखो बारिश भी हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कैमरा में दिख पा रहे हो आप लोग। एंड ये जो होटल का नाम है, ये होटल का नाम है ब्लू पॉपी, ब्लू पॉपी। एंड वर्स्ट रूम सर्विस, वर्स्ट बिहेवियर, बिकॉज पैकेज में आए। एंड जो ये होटल में हम लोग को घुसा दिए ना, इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि क्या बोले, खाना भी ख़राब था, रूम सर्विस तो फुल ज़ीरो, बिहेवियर बहुत ख़राब, नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल कि ब्लू पॉपी अभी नो। अभी अभी गुड़गांव में -10 दिखाओ, -10। अच्छा और आपका ये 6 है अभी लाचेन में, सो अभी 6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो ठीक है गावंस, आज के लिए वीडियो इतना ही था, जो करना सोच समझ के करना, बिना सोच के कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट। हे दत्त, तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल सुबह एंड नेक्स्ट एपिसोड में। एंड नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गुरुदंग बल लेके, तो उसको मिस मत करना क्योंकि उसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है एंड द मेन डे, द ग्रैंड डे इज टुमारो।